वेलकम बैक रॉकर्स। मूवी की शुरुआत में वाल्टर नाम के एक आदमी और उसकी टीम को दिखाते हैं जो बीच समुद्र में एक बहुत ही कीमती ट्रेजर को ढूंढ रहे हैं और बड़ी मुश्किल से वो ट्रेजर को ढूंढ लेते हैं और उसको ऊपर भी लेके आते हैं। लेकिन होता यह है कि एन वक्त पर कस्टम्स के बोट उनको घेर लेते हैं। कस्टम्स डिपार्टमेंट उस ट्रेजर पर कब्जा कर लेती है क्योंकि वाल्टर ने बिना परमिशन के उस जगह का ट्रेजर निकाला था और अब वो कीमती ट्रेजर स्पेनिश गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो गई है। वाल्टर कोर्ट में अपील करता है कि उस ट्रेजर पर उसका हक है, लेकिन कोर्ट गवर्नमेंट के फेवर में ही फैसला सुनाती है। अब मूवी के हीरो टॉम को दिखाते हैं जो एक इंजीनियर है। उसके टैलेंट को देखकर तो कई मल्टीनेशनल कंपनीज उसको लाखों की सैलरी पर जॉब देने को तैयार भी है, लेकिन टॉम को इन जॉब्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है और वो हर जॉब ऑफर को ठुकरा देता है। उसके पिता उसको डांटते हैं कि इतनी अच्छी जॉब्स मिल रही है, क्यों ठुकरा रहा है बेटा उसको, क्या तू हमेशा घर पे बैठना चाहता है। पर टॉम कहता है कि मुझे कॉर्पोरेट का नौकर नहीं बनना है और मुझे इसका कोई शौक भी नहीं है। तब टॉम के फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है और मैसेज ये होता है कि अगर तुम तुम्हारी लाइफ में एक उलट देने वाला काम करना चाहते हो तो इस जगह पर मुझसे मिलो। टॉम को मैसेज बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है और उस जगह पर पहुंच भी जाता है। वहाँ वाल्टर उसको रिसीव करता है और कहता है कि मेरा ट्रेजर कहीं फंस गया था। उसे स्पेनिश गवर्नमेंट ने बैंक ऑफ स्पेन के एक ऐसे लॉकर यानी वॉल्ट में रखा हुआ है जिसे दुनिया का कोई भी इंसान खोल नहीं सकता, लेकिन उस वॉल्ट को खोलने के लिए मुझे तुम्हारे जैसे इंटेलिजेंट इंजीनियर की मदद चाहिए और इसके लिए मैं तुमको मुंह मांगी रकम देने को भी तैयार हूँ। लेकिन टॉम को पैसों में दिलचस्पी नहीं होती, उसे सिर्फ ये बात अट्रैक्ट करती है कि जिस वॉल्ट को कोई इंसान नहीं खोल सकता उसे खोलकर वो दिखाएगा। वाह, ये होता है काम। ये सोचकर टॉम बहुत ही एक्साइटेड होता है और अपने पिता को बिन बताए स्पेन चला जाता है। वहाँ वाल्टर उसे अपनी टीम का इंट्रो देता है और टीम में एक लड़की है लॉरेन और इसकी एक्सपर्टीज ये है कि ये किसी को भी आसानी से चकमा दे सकती है। दूसरा है सिमन जो टीम के लिए कई चीजें सप्लाई करता है। तीसरा है कॉलस और ये एक कंप्यूटर हैकर है। पांचवा है जेम्स जो कई सालों से वाल्टर का ट्रेजिंग हंटिंग पार्टनर है और फिलहाल ये टीम बैंक ऑफ स्पेन पर नजर रखी हुई है। फिर टीम से मिलने के बाद उस रात टॉम और वाल्टर बाहर जाते हैं। तब वाल्टर उसको ट्रेजर के बारे में बताता है। सदियों पहले एक सेलर हुआ करता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको खूब सारे पैसे दिए और स्पेन से सोना और जवाहरात स्मगल करने के लिए भेज दिया था। सेलर ने उस ट्रेजर को स्मगल तो किया लेकिन उसे ब्रिटिश क्वीन के हवाले करने के बजाय कहीं छुपा दिया और उस सीक्रेट जगह के बारे में 3 गोल्ड क्वाइंस पर उसने क्लू लिख दिए और फिर वो मर गया। वाल्टर 30 साल से उन गोल्ड क्वाइंस को ढूंढ रहा था और उस दिन बीच समुद्र में वाल्टर ने उन गोल्ड क्वाइंस को ढूंढ निकाला था और उन गोल्ड क्वाइंस पर लिखे हुए क्लूज के जरिए ही वो ट्रेजर तक पहुंच पाएगा। इसलिए वाल्टर उन 3 गोल्ड क्वाइंस को बैंक ऑफ स्पेन के वॉल्ट से चुराना चाहता है। अब टॉम की टीम बैंक ऑफ स्पेन की डिटेल्स कलेक्ट करने लगती है, जैसे कि बैंक का ब्लूप्रिंट, अंदर कहाँ क्या है, कितनी सिक्योरिटी है वगैरह वगैरह। लेकिन उन्हें कुछ ही डिटेल्स मिली है। अब तक उन्हें ये पता नहीं चला है कि वॉल्ट बैंक के अंदर कहाँ पर रखा हुआ है और किस टाइप का वॉल्ट है और कैसे खोला जा सकता है, और इन बातों को पता लगाना टॉम का काम है। अब बहुत ही जल्दी टॉम कई डिटेल्स कलेक्ट करके अपनी टीम के साथ शेयर करता है और इसी दौरान फीफा वर्ल्ड कप भी चल रहा होता है और स्पेन के लोगों को उम्मीद होती है कि इस बार स्पेन चैंपियनशिप जीतेगा। बैंक ऑफ स्पेन के पास एक जगह है जहां फुटबॉल फैंस बड़ी तादाद में जमा होंगे और बड़ी स्क्रीन पर मैच देखेंगे और इनकी टीम का प्लान यह है कि फाइनल्स के दिन जब सबका फोकस मैच पर होगा तो ये लोग वॉल्ट से गोल्ड कॉइंस को चुरा लेंगे और फिर फुटबॉल फैंस की भीड़ में मिक्स हो जाएंगे और इस तरह ये लोग पकड़े भी नहीं जाएंगे। वॉल्ट तक पहुंचने से पहले इन्हें थोड़ा ग्राउंड वर्क करना होगा। मामूली तौर पर इस तरह के ग्राउंड वर्क जेम्स करता था, लेकिन इस बार वो एक काम नहीं करता है। वजह यह है कि वो पहले गवर्नमेंट का सिक्योरिटी ऑफिसर हुआ करता था और इसलिए उसका सारा डाटा स्पेन के इंटरपोल डाटाबेस में है और अगर वो बैंक के पास नजर आया तो वहां की सिक्योरिटी कैमराज उसके फेस को रिकॉग्नाइज कर लेंगे और ये लोग फंस जाएंगे। इसलिए टॉम बैंक के अंदर जाता है और उसके साथ सिमन भी क्लीनर बनकर उसके साथ जाता है। इसका दूसरा रीजन यह है कि टॉम स्पेनिश नहीं जानता, अगर सिमन साथ रहा तो लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इस तरह दोनों प्लान करके बैंक के अंदर जाते हैं और वहां सिक्योरिटी से सिमन स्पेनिश में कुछ कहता है और वो इनको अंदर भेज देता है। इसी बीच मेन एंट्रेंस से लॉरेन भी बैंक के अंदर आ जाती है और ये बैंक के अंदर रखी हुई पेंटिंग्स को इवेल्युएट करने वाली इंश्योरेंस एजेंट बनकर आती है। फिर बैंक का सिक्योरिटी हेड उससे पूछताछ करने लगता है और तभी वो जानबूझकर अपना कॉफी कप तोड़ देती है और सिक्योरिटी हेड उसको पकड़ लेता है और फिर वो उसको वापस कर देता है और इस तरह उसने कॉफी कप में सिक्योरिटी हेड का फिंगरप्रिंट निकाल लिया था। अब वो कप को एक प्लास्टिक बैग में डालकर सेफ रख लेती है और तभी सिमन क्लीनर के भेस में किसी तरह सर्वर रूम में चला जाता है। वहाँ वो एक छोटा सा डिवाइस सेट करता है जिससे सिक्योरिटी सिस्टम का पूरा कंट्रोल हैकर कॉलर्स के हाथ में चला जाता है और अब वो एक बार रिकॉर्ड की भी वीडियोस को रिपीट मोड में देख सकता है और कॉलर्स जो प्ले करेगा वही सिक्योरिटी हेड देखेगा। फिर लॉरेन एक पेंटिंग को स्कैन करती है, कॉलर्स उसको रिकॉर्ड करता है और स्लो मोशन में उसे रिपीट मोड में प्ले करता है और सिक्योरिटी हेड को यह लगता है कि लॉरेन उस पेंटिंग को बहुत ही ध्यान से चेक कर रही है, लेकिन सच में उस रूम का क्या हो रहा है यह हमको दिखाया जाता है। लॉरेन वहां की पेंटिंग्स को चेक करके पता लगा लेती है कि वहां एक सेफ है और अपने टैलेंट से वो सेफ को खोल देती है और अंदर एक की निकाल लेती है और उसे अपने डिवाइस में कॉपी करके फिर से अंदर रख लेती है। मेन वॉल्ट को खोलने के लिए 2 कीज चाहिए और इस की को अंदर रखकर वो दूसरी की को ढूंढने जाती है।
अब टॉम मैग्नेटोमीटर नाम के एक डिवाइस को लेकर कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाता है और इस रूम के नीचे ही वॉल्ट है और फिर मैग्नेटोमीटर से वो उस जगह का स्ट्रक्चर को स्कैन कर लेता है और तभी अचानक कुछ बैंक ऑफिसर मीटिंग के लिए अंदर आ जाते हैं। लेकिन टॉम टेबल के नीचे चुपचाप बैठकर स्कैनिंग कर रहा होता है। फिर जब स्कैनिंग 100% कंप्लीट होती है तो बैंक का सिक्योरिटी सिस्टम उसको डिटेक्ट कर लेता है और अलार्म बजने लगता है और फिर इस भगदड़ में सब यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। बैंक के पास एक मिलिट्री कैंप है और अलार्म के चलने से कई सौ सोल्जर्स गन लेकर पहुंच जाते हैं और बैंक को पूरी तरह घेर लेते हैं। फिर टॉम किसी तरह सबसे नजर बचाकर अपने डिवाइस के साथ बाहर आ जाता है और लॉरेन दूसरा की भी ढूंढ लेती है और उसको कॉपी कर लेती है। सिक्योरिटी हेड अपना सर खुजा रहा होता है कि ये सिक्योरिटी अलार्म अचानक कैसे बज गया और सिक्योरिटी कैमरा के फुटेज से भी उसको कोई क्लू नहीं मिलता। अब अगले शॉट में दिखाते हैं कि टॉम अपने डिवाइस पर स्कैन किए हुए ब्लूप्रिंट को देखता है और सभी को एक्सप्लेन करता है। वो बताता है कि उस जगह के नीचे जो वॉल्ट है वो एक बड़े तराजू यानी स्केल पर बैलेंस करके रखा गया है। ये वॉल्ट बहुत ही पुराना है और उस जमाने में मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। उस वक्त की टेक्नोलॉजी के अनुसार वॉल्ट को एक स्केल पर रखा गया है। मुश्किल बात तो यह है कि उस वॉल्ट के ऊपर पानी का एक बड़ा टैंक या रिजर्वायर है। अब अगर वॉल्ट के किसी भी पार्ट का जरा सा भी वेट ज्यादा या कम हुआ तो तराजू का बैलेंस फ्लक्चुएट होगा और ऊपर से रिजर्वायर का पानी वॉल्ट के अंदर आ जाएगा और अगर हम वॉल्ट के अंदर गए तो हम भी डूब कर मर जाएंगे। अब टॉम का ये सोचना है कि इस पुराने लेकिन स्मार्ट सिस्टम को पार करके वो गोल्ड कॉइंस को कैसे निकालेंगे और तभी वॉल्टर और जेम्स प्लान करते हैं कि वॉल्ट तक कैसे पहुंचना है। इसी बीच सिक्योरिटी हेड पता लगा लेता है कि टॉम और सिमन भेस बदलकर बैंक में घुसे थे। लेकिन बैंक का चीफ कहता है कि इस मामले को ज्यादा हवा मत दो, बैंक की इमेज खराब हो जाएगी और ये कहकर वो चला जाता है। सिक्योरिटी हेड को ये सब ठीक नहीं लगता और उसको शक होता है कि वर्ल्ड कप फाइनल के दिन बैंक में जरूर कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए वो सिक्योरिटी को और टाइट कर देता है। अब इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और तब टॉम पता लगा लेता है कि उस वेटिंग स्केल के पार्ट्स को नाइट्रोजन से फ्रीज किया जा सकता है और इस तरह फ्रीज करने से कुछ देर तक स्केल पर किसी भी वेट का असर नहीं होगा और वो बैलेंस रहेगा। और अब वो फैसला करते हैं कि इस थ्योरी का यूज करके वो वॉल्ट के स्केल को बिल्कुल फ्रीज कर देंगे, लेकिन उस बड़े स्केल के लिए इनको 500 लीटर नाइट्रोजन लगेगा। लेकिन सिमन अपने काम में एक्सपर्ट होता है और 500 लीटर नाइट्रोजन का इंतजाम तुरंत ही कर लेता है। और दोस्तों अब वर्ल्ड कप फाइनल का दिन आ जाता है और फाइनल में टक्कर होती है स्पेन और नीदरलैंड्स की। स्केल को नीचे से फ्रीज करने के लिए सिमन बैंक के अंडरग्राउंड में पहुंच जाता है। हैकर कॉलस अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ बिल्कुल रेडी होता है। वॉल्टर एक ऊंची जगह से बैंक को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा होता है। टॉम, लॉरेन और जेम्स पूरे सेटअप के साथ बैंक के टेरेस पर पहुंच जाते हैं। यहाँ फुटबॉल फाइनल जोर शोर से शुरू हो रहा है और इतनी बड़ी भीड़ को मॉनिटर करने के लिए चारों ओर सिक्योरिटी कैमरास बाहर की तरफ फोकस कर रहे होते हैं। इस वजह से इन तीनों को कोई कैमरा फोकस नहीं कर पाता और बैंक के अंदर के कैमरा ऑलरेडी कॉलर्स के कंट्रोल में होते हैं क्योंकि बैंक की सिक्योरिटी टीम ने अब तक इस हैकिंग का पता नहीं लगाया था, इसीलिए इन्हें सीलिंग से अंदर उतरने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और जब तक ये लोग इस इवेंट से लॉकर तक पहुंचते हैं तब तक मैच का हाफ टाइम भी हो जाता है और इनके पास सिर्फ एक घंटा बचा होता है। और फिर सिक्योरिटी हेड के फिंगरप्रिंट और कॉपी किए हुए कीज से वो वॉल्ट का आउटडोर खोल देते हैं और तब अंडरग्राउंड से सिमन स्केल पर लिक्विड नाइट्रोजन को स्प्रे करने लगता है और लिक्विड नाइट्रोजन धीरे धीरे स्केल से लेकर वॉल्ट तक को पूरा फ्रीज कर देता है। अब पूरी तरह फ्रीज होते ही टॉम अंदर जाकर चेक करता है। उसका प्लान सक्सेसफुल रहा, स्केल पर उसके वेट से कोई भी असर नहीं पड़ता और रीडिंग जीरो पर ही रुकी रहती है। अब जेम्स और लॉरेन अंदर आते हैं। वे अपने डिवाइस से गोल्ड कॉइंस को ढूंढ रहे होते हैं और तब एक और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। स्प्रे किया हुआ लिक्विड नाइट्रोजन कुछ ही सेकंड से पिघलने लगता है और स्केल ऊपर चढ़े हुए तीन लोगों के वेट को सेंस करने लगता है और इस तरह स्केल अपना बैलेंस खोने लगता है और इस छोटे से बदलाव को सिक्योरिटी हेड नोटिस कर लेता है। उसके आदमी तुरंत जाकर देखते हैं और बताते हैं कि ऊपर सीलिंग पर एक होल है और इस बीच लॉरेन गोल्ड कॉइंस को ढूंढ लेती है। अब बैंक का सिक्योरिटी अलर्ट हो चुका है और अब बचने का कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए वॉल्टर इन तीनों को सेंटर होने को कहता है लेकिन जेम्स नहीं मानता। अब इस टेंशन के बीच ये सस्पेंस खुलता है कि जेम्स अब भी गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है और वो भी स्पेन के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है। इतने दिन से वो वॉल्टर को धोखा दे रहा था कि वो अब सिक्योरिटी सर्विस में नहीं है और वॉल्टर के साथ स्पेन में रहकर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए ही काम कर रहा था। इसे यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा था ताकि वो उस पुराने खोए हुए ट्रेजर का पता लगा सके। अब जेम्स गन पॉइंट पर लॉरेंस से गोल्ड कॉइंस मांगता है और कोई रास्ता न पाकर लॉरेंस को कॉइंस दे भी देती है। जेम्स के इस बदलाव से टाइम वेस्ट हो जाता है और नाइट्रोजन पूरी तरह से पिघल चुका है और स्केल अब इनका वेट पूरी तरह से डिटेक्ट कर लेता है और वॉल्ट ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और इसकी वजह से सिक्योरिटी अलार्म बजता है और सिक्योरिटी हेड बिल्कुल चौंकना हो जाता है। अब वॉल्टर शॉक में होता है कि प्लान फ्लॉप होने वाला है, लेकिन सिक्योरिटी कैमराज अब भी वही पुराना नॉर्मल वाला वीडियो दिखा रहे होते हैं। तब सिक्योरिटी हेड को पता चलता है कि इन लोगों ने सिक्योरिटी सिस्टम को ही हैक कर लिया है और फिर वो अपनी फोर्स वहां भेजता है। तभी रिजर्वेयर का पानी फोर्स के साथ वॉल्ट के अंदर आने लगता है। जेम्स स्विम करके बचने की कोशिश करता है। टॉम और लॉरेंस सोच भी नहीं पाते कि अब करना क्या है। पानी बहुत ही तेजी से वॉल्ट में भर रहा होता है और तभी टॉम को एक आइडिया आता है कि पानी को कैसे रोकना है। वो अपना आइडिया सिमन को बताता है और
उसके अनुसार वॉल्ट के नीचे एक वाटर सेंसर है जिस पर उसे भारी वेट को रखना होगा। टॉम कहता है कि वाटर सेंसर का वेट बढ़ने से वॉल्ट के अंदर का पानी बाहर जाने लगेगा। अब सिमन वहां पड़े खाली नाइट्रोजन सिलेंडर को वाटर सेंसर पर रख देता है और जब वो कम पड़ता है तो सिमन खुद ही उसके ऊपर चम करके बैठ जाता है। लेकिन इस टेंशन में भी वो रेडियो पर फुटबॉल कमेंट्री सुन रहा होता है, बताओ। और फिर सिमन के बैठने से वो वाटर सेंसर काम करने लगता है और वॉल्ट का पानी बाहर रिलीज हो जाता है। इतने में सिक्योरिटी हेड सिक्योरिटी कैमरास को ठीक करके अपनी फोर्स के साथ वॉल्ट के पास पहुंच जाता है, लेकिन तब तक तीनों वहां से निकल जाते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हें हर तरफ ढूंढने लगती है और तब लॉरेन और टॉम उस पेंटिंग वाले रूम में घुस जाते हैं। वहां लॉरेन ने पहले से एक विंडो खोल कर रखी हुई है। अब दोनों विंडो से बाहर कूद कर भागने लगते हैं और फिर अपने प्लान के मुताबिक फुटबॉल फैंस की भीड़ में चले जाते हैं। और फाइनल्स के खत्म होने पर सारे लोग बाहर आ जाते हैं और उसी भीड़ में टॉम और लॉरेन भी बाहर चल जाते हैं। लेकिन मैच का रिजल्ट क्या हुआ? इस वर्ल्ड कप को स्पेन की टीम नहीं जीता और सारे फैंस खुशी से पागल हो रहे हैं। अब इस खुशी और एक्साइटमेंट के बीच टॉम और लॉरेन किस करते हैं। चलो गोल्ड ना सही, लेकिन प्यार तो मिला। फिर जेम्स को दिखाते हैं जो गोल्ड कॉइंस को एक ब्रिटिश ऑफिसर के हवाले कर देता है। ऑफिसर उन कॉइंस को चेक करके कहता है कि तुमने मुझे पागल समझा है क्या? पहले तो ये सोना नहीं रोल गोल्ड है, ऊपर से ये उस जमाने का नहीं है, और तीसरी बात इसमें कोई क्ल्यू नहीं है। इन्हें ध्यान से देखो, मेड इन चाइना लिखा हुआ है। इन्हें तो तुम ही रखो और हो सके तो चाइना जाकर अपना ट्रेजर ढूंढो। और फिर हमें बताते हैं कि पेंटिंग के दौरान ही वॉल्टर को जेम्स पर शक होने लगा था, इसलिए उसने लॉरेन को कुछ डुप्लीकेट क्वाइंस दे रखे थे। और वॉल्ट में जाने के कुछ ही देर बाद लॉरेन ने क्वाइंस को ढूंढ निकाला था, लेकिन ये बात जेम्स को नहीं बताई थी। और फिर असली क्वाइंस को अपने पास छुपाकर उसने बॉक्स में नकली क्वाइंस रख दिए और फिर जेम्स को बताया कि क्वाइंस मिल गए हैं। और इस तरह असली क्वाइंस इनको मिल गए हैं और वॉल्टर टॉम सिमन और लॉरेन उन क्वाइंस को चेक करते हैं। उनमें दिए गए क्ल्यूज से इन्हें पता चल जाता है कि सदियों पहले उस सेलर ने जिस जगह पर ट्रेजर छुपाया था उस जगह के ऊपर आज बैंक ऑफ इंग्लैंड खड़ा हुआ है। अब इनका अगला टारगेट है बैंक ऑफ इंग्लैंड। और इनके इस प्लान के साथ ही दोस्तों ये मूवी यहां पर खत्म होती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसे लगी? अगर पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।